कल मेरे घर में मेरी चाइल्डहुड आंटी आई जो मेरे को बचपन से जानती है, जब मैं 5-6 साल का था तब से मेरे को जानती है, और घर में आई और कहा कि यार कल तेरा स्टॉक मार्केट पर बिगनर वाला वीडियो देखा, उनको बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आया वीडियो, और वो कहती थी कि हमें भी इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमारे टाइम में इतने हादसे हुए जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम हो गए, 2001 का क्रैश आया, और इतने क्रैश होने के बाद 2008 का भी क्रैश आया, तो कहते कि हमें ना इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन तेरे कल वीडियो देखने के बाद थोड़ी हिम्मत बनी, और मुझे भी मन कर रहा है वो 16% का जो रिटर्न तू बता रहा था वीडियो में वो हमें भी दिलवा दे। उनको लगा कि सिद्धार्थ तो हमारा बचपन का बेटा है और वो बता रहा है दुनिया को, यूट्यूब पे बता रहा है कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से फंड बाय करना चाहिए, तो मैं तो बचपन की आंटी हूँ, मुझे तो बता ही देगा। तो मैंने बोला आंटी देखो वो स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे आप इंडिया के इकोनॉमी में बैट कर रहे हो, आप इंडिया के कंपनीज को बाय कर रहे हो और उनको उनकी हेल्प कर रहे हो जिससे कि वो ग्रो कर पाए, तो उनको इतनी बात समझ नहीं है क्या किसको हेल्प कर रहे हैं क्या हेल्प कर रहे हैं, ये बता कि 16% कैसे आएगा। तो कमाल की बात तो ये है कि जबकि मैंने पूरी वीडियो बना दी, उनको अभी भी ये समझने में दिक्कत आ रही है कि 16% मिलेगा कैसे, क्या है। तो उनको लगा कि अभी डालूंगी पैसे में तो साल 2 साल में 16% मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में हमारी एंट्री है, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, प्लीज़ उस वीडियो को देख के आप चाहे तो ये वीडियो कम्प्लीट करने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पिछला वीडियो कि विश म्यूचुअल फंड से पहले म्यूचुअल फंड्स क्या है या फिर म्यूचुअल फंड सही है ये टॉपिक था, वो वीडियो अभी देख लीजिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके वो वीडियो देख के इस वीडियो पे आ जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे ही निवेश कर रहे हो, बट आप एक प्रॉपर तरीके से निवेश कर रहे हो। मतलब क्या प्रॉपर का, कि आप एक ऐसे बंदे को अपने पैसे दे रहे हो जो क्वालिफाइड है, जिसने MBA करी हुई है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से, उसकी एक रिसर्च टीम है, वो अपने नॉलेज से आपका पैसा संभाल रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली निवेश नहीं कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में किसी के थ्रू, याद है AMC लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप AMC के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, आप स्टॉक मार्केट में किसी के थ्रू पैसे दिलवा रहे हो, यही है। अच्छा अब आंटी की बात करते हैं दोबारा, आंटी को तो 16% रिटर्न चाहिए था, उनको तो 6-7% रिटर्न मिल रहा है FD में। तो यहाँ पे मैंने अगर पिछले वीडियो में ध्यान सुना होगा तो 10 ईयर्स की मिनिमम 10 साल। अच्छा खुद से सोचो यार, सपोज आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी को आपने अपने जमा पूंजी से स्टार्ट करी, अब आपको लग रहा है कि मैं 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर उस कंपनी से बहुत पैसा कमा लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक कंपनी को, रिलायंस कंपनी को ही IPO निकालने में 10 साल लग गए, अगर अभी वो नंबर 1 कंपनी पूरे इंडिया की, तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक कंपनी को बड़ा करने में उसको IPO तक, अब IPO क्या होता है, IPO इज नथिंग बट आप शेयर्स निकाल रहे हो, ऑफरिंग शेयर, ओके ऑफरिंग शेयर्स, जो मैंने राम की कहानी बताई ना बर्गर वाली, ऑफरिंग शेयर्स, तो आप शेयर्स निकलवा रहे हो कंपनी के, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में ना इट टेक्स टाइम, 10 साल। तो मेरी आंटी से गलतियां मत करना, दादा जी भी ये बताइए म्यूचुअल फंड तो 1-2 साल 3 साल रिटर्न दिखा रहा है, मैं इसमें डाल दूं, क्या डालना सही रहेगा, नहीं। कमाल की बात यह है कि जो AMC है, राइट, AMC बिकती है एजेंट्स के थ्रू, तो मैं यहाँ पे एजेंट्स लिख देता हूँ, और जो एजेंट्स आपको बेच रही है, अब कौन से कहाँ मिलते हैं एजेंट्स, जैसे बैंक से मिल जाएंगे आपको एजेंट, जब आप बैंक जाओगे ना सपोज ICICI SBI PNB, वहाँ पर ना एजेंट्स बैठे होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, कि हमारा म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, वो ये दिखाते हैं कि भाई हमारा जो म्यूचुअल फंड है 30% के ऊपर की तरफ जा रही है, लास्ट के 3 साल में 5 साल में ये रिटर्न दिखाया है। मजे की बात तो ये है कि 30% जो वो दिखाते हैं ना, और जैसे ही आप डालते हो पैसे तो वो -30 हो जाते हैं, वो -30 हो जाते हैं, तो आप बोलते हो ये तो 30% देखो। इसलिए म्यूचुअल फंड के अगर आप उसके एक छोटा सा स्टार मार्क होगा वहाँ पे लिखा होता है म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो ये बोलता है कि आप हिस्ट्री देख के इस फंड में इन्वेस्ट मत करिए, आप प्लीज हिस्ट्री मत देख के इस फंड में निवेश करिए, खुद बोलता है म्यूचुअल फंड, लेकिन तब भी हम लोग हिस्ट्री देख के निवेश करते हैं। बाप बोल रहे यार ये समझ नहीं आई बात में, तू भी तो हिस्ट्री दिखा के 1979 की हिस्ट्री दिखा के 2023 में ये बोल रहा है कि 16% का तो रिटर्न तुझे भी मिलेगा, मतलब आपको भी मिलेगा। अब मैं आपको ना, मैं यहाँ पे एक टर्म लेके आने वाला हूँ, GDP। क्या है वो GDP? अब GDP क्या होता है, GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भला क्या होता है, देखो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके नागालैंड, वहां इस इंडिया के पूरे बॉर्डर में जितना भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिकी है, सेल हुआ है, मतलब वो ठप्पा लग गया सेल का, बिल आ गया हाथ में, उसको हम लोग GDP बोलते हैं।
वो इंडिया के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हुए ये दिखलाता है कि हमारे कंट्री में कितना सामान लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कितना सामान बिक रहा है, लोग कितना खा रहे हैं पी रहे हैं, उसको खरीद पा रहे हैं, उसे जीडीपी बोलते हैं। ये जीडीपी दिखलाता है स्टॉक मार्केट। अब आप बोल रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आई बात। देखो इन दी एंड हम लोग कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं, कंपनी जब प्रोडक्ट सर्विस बनाती है और वो खरीदते हैं तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। मतलब कंपनी है ये, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ कंपनीज है, मैं यहाँ पे छोटा भी। तो लिस्ट ऑफ कंपनीज, ये कंपनी सर्विस और गुड्स बनाती है और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर मैं ये कह सकूं कि जीडीपी शुड बी इक्वल टू, शुड बी बोल रहा हूं मैं, ओके, स्टॉक मार्केट मतलब क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग मार्केट कैप बोलते हैं, बट मैं आपको मार्केट कैप अभी बताने रहा, मार्केट कैप क्या होता है अगले वीडियो में आपको ये टर्म्स बताऊंगा। मार्केट कैप जीडीपी इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट, समझ लो या फिर टेक्निकल टर्म मार्केट कैप। तो जितनी कंपनियां हैं इंडिया में वो सर्विसेज, गुड एंड सर्विस बना दी है और जीडीपी को। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जिसे बोलते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर, और ये जीडीपी मार्केट कैप का रेशियो होना चाहिए 1। अब ये बहुत टेक्निकल हो गया। मैं ना देखो अभी भी मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो के मैं हर एक गांव गांव के बच्चे को जो कि कतराते हैं, डरते हैं, वो ये समझते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमें शायद ये पता नहीं जो बोल रहा है इस वॉरेन बफेट, पता नहीं कौन भला इंसान है, ये जीडीपी मार्केट कैप क्या है। मैं अभी भी बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जिस बंदे ने 5th क्लास करी है ना, या फिर जो अनपढ़ है, जो किसान है देश का, जिसकी वजह से हम लोग खाना खा पा रहे हैं, या फिर जो आर्मी के लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के देश के लिए बचा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियो को, राइट। वह बोलो तूने इतनी बड़ी राम कहानी क्यों बताई, क्योंकि 16% का रिटर्न हमें चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बोला कि यार 12% का मिल जाए ना, क्योंकि लास्ट के 20 साल 12% का रिटर्न ही दिया है स्टॉक मार्केट ने, ठीक है। तो कह सकते हो कि 2002 के और से 2022-23 तक 12% रिटर्न ही मिला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 12% को ही लेते हैं, 12%, ठीक है। FD में भी 6-7% का रिटर्न मिल रहा है, इससे भी डबल ही है 12%। और आने वाले वीडियो में मैं एक टर्म बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, वॉरेन बफेट का अब ये कौन भला है मैं आपको ये बता दूंगा, 99% इनकम उसके 60 साल के बाद आया, 60 years plus। 12% क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं भी आपको अपने लैपटॉप पर लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट, अभी मैं कह रहा था कि म्यूचुअल फंड में 30% का हमें रिटर्न नहीं देखना चाहिए, और क्यों, जब हम पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में वो 30% के चक्कर में तो हमें वो रिटर्न मिलता नहीं है। देखो मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि आप इंडिया के ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडिया के जीडीपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इंडिया का जीडीपी दिखाने वाला हूँ, ग्राफ दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको और बातें क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको डेटा के साथ बताऊंगा और ये बताऊंगा कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको कि इंडिया की ग्रोथ आगे बढ़ेगी ही क्यों, मैंने क्यों ऐसे बोला था कि इंडिया को एटलीस्ट 12% मिलेगा और कैसे 16% मिलते हुए आ रहा है, और कैसे स्टॉक मार्केट इज अ रियल इंडिकेटर ऑफ जीडीपी, तो समझते हैं विद एन एग्जांपल। नाउ यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा, ये इकोनॉमिक इंडिया है जीडीपी के लिए, और नीचे जब आएंगे तो हमारे पास एक ग्राफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो मैं अभी नीचे आता हूँ, आई थिंक मैं उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये आ गया ग्राफ। तो डेटा है जीडीपी का, राइट। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जीडीपी इन बिलियन है, ओके, बिलियन, और पीपीपी क्या है, पीपी है परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब कुछ नहीं है, जो भी आप चीजें कंज्यूम करते हो, खाते हो, पीते हो, सर्विस यूज करते हो, वही है जीडीपी इन पीपीपी। अब यहाँ पे जो रियल जीडीपी है वो है 5.3 विदाउट इन्फ्लेशन, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो हमें ऐसा जीडीपी देखना है जिसे नॉमिनल बोलते हैं, और नॉमिनल क्या होगा, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ओके। सो जो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी होगा, रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि महंगाई के दर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि महंगाई के साथ साथ हमारे ग्रोथ रेट बढ़ रही है, हर साल 6% महंगाई बढ़ेगी हमें मान के चलना है, तो वी हैव टू टेक इट। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो रियल जीडीपी 5% प्लस 11% इन्फ्लेशन, मतलब क्या, यहाँ पे 1980 में 371
बिलियन डॉलर की परचेसिंग पावर पैरिटी, इतना जीडीपी था इंडिया का उस वक्त। अब यहाँ पे 1980 में 371 बिलियन डॉलर ही जीडीपी था इंडिया का, और ये सारी चीजें काम की नहीं है। पर कैपिटल इनकम रियल ग्रोथ काम की है और इन्फ्लेशन रेट काम की, मतलब तकरीबन 16% का रिटर्न दिया 5+11, ऐसे आपको 12+6, कुछ कुछ में कम हो जाएंगे 7.7+3.5, तकरीबन 11%, यहाँ पे 12.6+7, 19-20% का ग्रोथ दिखाया है इन्फ्लेशन के साथ। ऐसे आते रहेंगे कुछ कुछ साल में कम रहते हैं, 1989 में सिर्फ 6 और 4%, तो 11-12%, 10-11%, राइट। तो ऐसे ही तकरीबन 15-16% रिटर्न दिया है। देखोगे 2027 तक का दिखाया, 2023 तक अगर देखोगे तो तकरीबन 15-16% एवरेज यहाँ पे आया, किसी ईयर में 11, किसी ईयर में 20, तो यहाँ पे 15-16% ही एवरेज आया है। इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आप इंडिया के जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इंडिया के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप देश को, देश के भविष्य के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये मान रही हो कि नेक्स्ट जनरेशन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू लिव अ बेटर देन लाइफ, बेटर लाइफ देन प्रीवियस जनरेशन। ऑलराइट, अभी आपने देख लिया होगा कैसे स्टॉक मार्केट जीडीपी को फॉलो करता है या फिर जीडीपी स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है, राइट। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बहुत फर्क पड़ता है कि स्टॉक मार्केट अभी कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो ये दिखलाता है कि आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, ये स्टॉक मार्केट दिखलाता है। तो आपको ये तो भरोसा हो गया होगा कि आपको 12% पे ही निर्भर रहना है। प्लीज किसी के बहकावे में आके 20%, 25%, 30%, 50% तक भी लोग बोलते हैं यार कि 100 डालो कल अगले साल 150 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है भैया। एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो डूब ही नहीं सकता, मतलब क्या बोल दिया मैंने, डूब ही नहीं सकता। अगर आप इन्वेस्टिंग फील्ड में, तो आपको तो पता ही होगा कौन है वॉरेन बफेट। जिसको नहीं पता, वॉरेन बफेट वॉज द रिचेस्ट मैन वन टाइम। अभी उनकी धन संपत्ति 9 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़। कमेंट बॉक्स में ये मुझे लिख के बताना कि 9 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 9 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। चलो वापस टॉपिक में चलते हैं। तो वॉरेन बफेट बोलता है इट इज नियरली इम्पॉसिबल, मतलब क्या, इट इज, ये बहुत नामुमकिन है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा गवा सकते हैं। आप बोलोगे क्या बोल रहा है भाई, हमारे मामा चाचा ताऊ फूफा भतीजा भैया जो भी है, उन्होंने यही बोला है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है डूबता है, और आप बोल रहे हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब नहीं सकता। जी हाँ, कैपिटल है वो सेफ रखना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉरेन बफेट बोलता है कि फर्स्ट रूल इन स्टॉक मार्केट इज टू नॉट लूज द मनी, एंड सेकेंड रूल इन स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। लोग ना 100 रुपये लगाते हैं, जैसे उनका 105 रुपये हो जाए तो उनको लगता है कि मैं तो स्टॉक मार्केट का भगवान हुआ, राइट, और वो 105 रुपये पूरा दोबारा डाल देते कोई ऐसी बेकार कंपनी की, फुद्दू कंपनी में। तो ये गलती नहीं करना हमें। तो यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो पाल है, ये पल है, ओके। तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि आपका पूरा जो जमा पूंजी है प्रिंसिपल, ओके, ये डूबना नहीं चाहिए पहले। तो वो बताते हैं वॉरेन बफेट। देखो अब आप बोलोगे कि तू तो बता रहा है यार, तेरा तो यूट्यूब पे काम है, तू तो अपने व्यूअर्स के लिए बता रहा है ये चीज़, हम तेरे पे बिलीव कैसे कर ले, मेरे पे बिलीव मत करो, ठीक है, लेकिन भगवान में तो बिलीव करते हो ना। तो इन्वेस्टिंग के भगवान है वॉरेन बफेट, और वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा यहाँ पे, वो कहते हैं भैया, ओके, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। भगवान की बात तो सुन लोगे यार, इंडेक्स फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। इंडेक्स फंड इंडिया में 10 से 15 साल के पहले आया था, विदेश में यूएस में 35-40 साल पहले था इंडेक्स फंड, और इंडिया में अभी बहुत यंग है, टीनेज में ही है, 15 ईयर्स ही होंगे मैक्सिमम। लेकिन 10-15 साल पहले इंडेक्स फंड सिर्फ एक या दो कंपनी ही रखती थी, क्योंकि लोग बोलते थे क्या रखा है इसमें, ब्रोकर से मना करते थे कि भैया इसमें खरीदा बेचा जाता नहीं है। अब क्यों नहीं जाता खरीदा बेचा मैं बताऊंगा, लेकिन इंडेक्स फंड में कोई खरीदी बिकवाली ज़्यादा होती नहीं है, ओके, तो लोग कतराते थे। लेकिन आज के टाइम पे 2023 में ऐसा ही कोई कंपनी होगा जिसके पास इंडेक्स फंड नहीं है, तो पहली चीज, इंडेक्स फंड में आपका पैसा लूज नहीं होगा भले ही 10 साल के बाद भी हो जाए। हाँ, गेन नहीं होगा, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में रिस्क है ना, रिस्क हो जाएगा जीरो। आप रात को अच्छे से सो सकते हो, निश्चिंत होकर सो सकते हो, मैं पैसा डूब नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंडेक्स फंड में तो अब तुमने बता दिया कि जो पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन भाई इतना का डुबाना नहीं है, तो बैंक में डाल देंगे, वहां से तुम्हें 2-3% तो मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेक्स फंड से आपको एटलीस्ट 12% का रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड इंडिया के टॉप 30 याद है फर्स्ट वीडियो में सेंसेक्स, एंड टॉप 50 याद है उसी वीडियो में निफ्टी,
तो टॉप 30 एंड टॉप 50 कंपनीज में निवेश करती हैं। सो इंडेक्स फंड शेयर मार्केट के बड़ी कंपनी है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप। इसे बोलते हैं हम लोग ब्लू चिप। क्या बोलते हैं? ब्लू चिप। टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज को ब्लू चिप बोलते हैं और इंडेक्स फंड में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया आपको तो प्लीज अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे उत्साह मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ऐसा और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। 50 कंपनीज को हमने देख लिया था इकोनॉमी में और वो समझ लेते हैं जीडीपी क्या होता है। तो अगर 12% में जीडीपी बढ़ रहा है, 12 से ज्यादा बढ़ रहा है, तो 12% में स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि इनका रेशियो क्या है? 1 है ना। अगर रेशियो 1 है तो आपको भी 12% मिलना चाहिए। मिलना क्या चाहिए मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भैया देखो, अभी 15 साल पहले हम लोग नोकिया का वो पत्थर यूज करते थे। नोकिया वाला पत्थर था ना कि फेंक के मारो मुंह फट जाए, तो हम लोग वो मोबाइल यूज करते थे। आज के टाइम पे सब लोग आईफोन, मतलब सब लोग तो नहीं बोल रहा, एटलीस्ट जो जेन जी जो 23-25 तक के बीच में है, उनके पास आईफोन रहता है, आईफोन नहीं तो वन प्लस रहता है। मतलब ऐसे बड़े बड़े मोबाइल जो 40-50 हज़ार स्टार्टिंग होती है, और वैसे उनके मोबाइल रहता है। कहने का मतलब ये कि नोकिया के मोबाइल जो 5,000 रुपये के आते थे, आज के टाइम पे लोग 50,000 मोबाइल खरीद रहे हैं। तो 5,000 से लोग 50,000 तक पहुंच गए हैं, तो भाई देश तो तरक्की कर रहा है ना, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लोग तो कंज्यूम कर रहे हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाएगा। और अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तो इंडेक्स फंड भी ऊपर जाएगा। अगर वो 12% तो ये भी 12%, तो रिस्क तो है नहीं। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सिंपल मोटी भाषा में, कि आप देश पे विश्वास कर रहे हो, आप भारत पे विश्वास कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इंडिया आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि इंडिया आगे बढ़ेगा तो अभी कमेंट में बताओ इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया विल राइज, ये लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। रिलायंस आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा नहीं होगा तो यूज तो कर किया ही होगा ना, जियो यूज करते हो, HDFC बैंक हो गया, देखा ही होंगे उसके ATM बैंक भी देखे होंगे आपने, SBI हो गया। अगर आप जियो यूज नहीं करते तो एयरटेल यूज करते हो, भारतीय मित्तल का, है ना। तो यही कंपनी है जो कि टॉप 30 और टॉप 50 कंपनी। तो टॉप 30 को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, मैं लिख ही देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको बोलते हैं निफ्टी, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया निफ्टी और सेंसेक्स। अच्छा, मैंने 500 रुपए डाले तो 500 रिलायंस पहुंच जाएंगे? नहीं। देखो, रिलायंस जो कंपनी है ना, वो निफ्टी का 10% वेटेज आता है। मतलब क्या वेटेज? मतलब क्या कि अगर 100 रुपए डालेंगे इसमें निफ्टी में, तो 10 रुपए जाएंगे रिलायंस में, 8 रुपए जाएंगे, ये हर महीने, हर 3 महीने में बदलते रहते हैं वेटेज, 8 रुपए जाएंगे इंफोसिस में, 7 रुपए HDFC बैंक में। तो 50 कंपनियों का जो वेटेज है उस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे 500 रुपए को ब्रेक करो आप, खैर उस एग्जांपल समझ में आ गया होगा, लेकिन 500 रुपए को ब्रेक करो तो 10% रिलायंस पे, तो 50 रुपए रिलायंस में जाएगा। HDFC पे 8% के आसपास है, तो तकरीबन 40 रुपए HDFC। ऐसे करते करते 500 रुपए का बंटवारा हो जाएगा 50 कंपनी में उनके वेटेज के अनुसार। अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई है तो आप अपनी पीठ पे एक टैप मार सकते हैं, क्या बात है। अच्छा, एक और लोग बोलते हैं कि यार मेरे ना अंकल, पड़ोसी, पापा तक बोलते हैं कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैट। अब ये डीमैट फलाना चीज क्या है? अब डीमैट में ना आप शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आप बोलोगे कि सर ये तो सुनने में बहुत दिमाग खराब करने वाली बात लग रही है कि भैया कि अब डीमैट में हमको शेयर खरीदना बेचना, ये तो अब हो गया, मतलब अब तो पारा हाई हो गया, इतना ये सब नहीं आता है ना। देखो, आपको जरूरत ही नहीं है इसको, भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं डीमैट की, कोई जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में आपको सिंपल कंपनी के पास जाके अपना अकाउंट स्टार्ट कराना है, सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड देके अपना अकाउंट स्टार्ट कराना है। अच्छा, मुझे ना कुछ शहर के लोग, थोड़े पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं, सिद्धार्थ ये तो ठीक है, ये तो इंडेक्स फंड हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर ऑलरेडी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ठोको लाइक वीडियो को, और ये मैंने मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई मैं इंडेक्स फंड में पहले से इन्वेस्ट करता हूँ। और वो लोग मुझे कहते हैं कि सिद्धार्थ ठीक है यार, हमें भी 14-15-16% मिल रहा है, किसी किसी को तो मतलब 12 सबको मिल ही रहा है, किसी किसी को 18 भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये 12 से 18 के बीच में ही रहता है इंडेक्स फंड, ओके, क्योंकि 12 से 18 के बीच वही एवरेज 15-16 का एवरेज के बीच में रहता है, लेकिन मैं 12 लेके चल रहा हूँ। कम लेके चलते हैं ना भाई, ज़्यादा में तो मुनाफा वैसे ही है, कम तो इतना तो हाथ में आए, है ना। तो वो बोलते हैं यार, लेकिन हमारे ना दोस्त यार, हमारे पड़ोसी 50-50% रिटर्न ला रहे थे इंडिविजुअल स्टॉक्स में। देखो, वो ना वो बस अच्छी बातें बता रहे, अच्छी चीज़ें ही बता दें। 50% एक में कमाया होगा, गवाया कितना वो कोई नहीं बताता। दुख की बात कौन बताता है यार, अपने घर में सब सुख की बात बताते हैं ना। तो उसी प्रकार से ना
आपको ये देखो चीजें ना बहुत सिंपल रखोगे, इजी रखोगे तो पैसे कमाओगे। वॉरेन बफेट बार बार बोलते हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, कि लोग ना सिंपल चीज नहीं करते, लोग मुश्किल चीज करते हैं। मैं आपको ऊपर यहाँ पे आपको वीडियो एडिटर दिखा देगा वो कोट। तो हिंदी में क्या है कि आपको ना चीजों को आसान रखना, अपने लिए खुद कॉम्प्लिकेट मत करो, चीजों को सिंपली जियो, दैट्स इट। आपको यही करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये ना एक ह्यूमन नेचर है, इंसान ना बहुत जलती है एक दूसरे से, कि उसने तरक्की कर ली, उसने ज्यादा पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमाने चक्कर में 12 जो मिल रहा था उसको 12 के क्या उसको 2% भी नहीं मिलेगा। गलती मत करो। देखो आप 6% में हैं, आप 6% FD में खुश हो भाई, 12% जब मिलता है तो क्यों लालची बन जाते हो यार? 12% कमाओ चुपचाप, अगर अच्छे दिन चले तो 18% कमा लोगे, उससे ऊपर मत जाओ। देखो भगवान का, भगवान जी का है हमारे वॉरेन बफेट, मैंने कहीं लिखा था यहाँ पे, हाँ भगवान का ही रिटर्न है 20%। अगर भगवान ही 20% कमा रहे हैं तो हम और आप क्या है भैया? अगर भगवान को ही टच कर लिया हमने तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उनके चरण छू के आ गए 20% में, वो बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर मत देखो यार, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, खुश रहो। आई थिंक इंडेक्स फंड तो क्लियर हो गया होगा कि टॉप 50 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? ये GDP को फॉलो करते हुए समझ में आ गया, DMAT की जरूरत नहीं समझ में आ गया, जेलस नहीं होना आपको ये समझ में आ गया, रिस्क नहीं है ये समझ में आ गया, इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड होता है ये समझ में आ गया, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया, 12 से 18% समझ में आ गया। आई थिंक ये वीडियो बहुत क्लियर हो गया, मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया। कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए आप, अगर आप एक झलक में देखोगे सबको तो शायद समझ में ना आए, लेकिन मैंने बहुत सिस्टमेटिकली आप लोग को बताया। यही था इंडेक्स फंड यार, राइट? अब ये सुन के तुरंत इंडेक्स फंड मत ले लेना, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंडेक्स फंड आपको लेना चाहिए। देखो मार्केट में ना अब हजारों कंपनियां इंडेक्स फंड बेच रही है, ठीक है? उसमें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस रेशियो जो कि है AMC की फीस, इसकी फीस किस में कम है, एग्जिट लोड क्या होता है, AUM क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सारी चीज हमें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप इंडेक्स फंड का सही चुनाव कर सकते हैं, कौन सा इंडेक्स फंड लेना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे इंडेक्स फंड में लग के इंडेक्स फंड का बहुत सारा पैसा खा सकते हैं। मतलब आपको मिलना तो चाहिए था 12% एटलीस्ट, बट गलत एक्सपेंस रेशो, गलत फीस वाले फंड इंडेक्स फंड में आपने चूज करके कैसे आपको 12 का जगह आपको 9-10% तकरीबन 2-3% का आपका कंपाउंडेडली लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा वह कर सकता है। ये मैं हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, धमाकेदार लगी, तो हिट अप लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो हिंदुस्तान में हर कोने में हर बंदे को ये वीडियो मिलनी चाहिए, उसका जो जन्मसिद्ध अधिकार है एटलीस्ट 12% और उससे ज्यादा, बट एटलीस्ट 12% उसको मिलना ही चाहिए। ये करने के लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब टू चैनल जिससे कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे लगातार, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करें। टिल देन यू गो एंड अर्न फ्रीडम।